नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स एंड थ्रू दिस वीडियो वी आर ट्राइंग टू रीच आउट यू टू प्रोवाइड यू फुल प्रोफेशनल एग्जाम ओरिएंटेड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इन क्लासेस में जो वीडियोज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स इंक्लूडिंग ऑल द डिटेल्स वेदर इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रीलिम्स और मेंस और फॉर द गाइडेंस फॉर द इंटरव्यू। मीन्स इन वीडियोज को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने फ्रॉम यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई से पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन, उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिविजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोज में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू दी एंटायर कोर्स फ्री थ्रू दी यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल अकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सो नाउ कम टू रूल 3, एंड दिस रूल 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एक्स पार्टी इंटरिम इंजंक्शन। दिस इज वॉट एक्स पार्टी इंटरिम इंजंक्शन। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विच रूल डील्स विद दी एक्स पार्टी इंटरिम इंजंक्शन, दैट इज वॉट रूल 3। अब पार्टी क्या है, देखिए रूल 3, बिफोर ग्रांटिंग इंजंक्शन कोर्ट टू डायरेक्ट नोटिस टू द अपोजिट पार्टी, आई रीड इट नाउ, द कोर्ट शैल इन ऑल केस, एंड प्लीज सी द लैंग्वेज हेयर, द कोर्ट शैल इन ऑल केस मीन्स वॉट, दिस इज मैंडेटरी, दिस इज रिक्वायर्ड, मैंडेटरी रिक्वायर्ड फॉर द कोर्ट टू फॉलो दिस प्रोसीजर। कोर्ट को, कोर्ट ऐसा करेगा, न्यायालय ऐसा करेगा। कोर्ट शैल इन ऑल केस क्या, बिफोर ग्रांटिंग एन इंजंक्शन डायरेक्ट नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द सेम टू बी गिवन टू द अपोजिट पार्टी। तो मैंने येलो वाला पोर्शन पढ़ा है, अभी हाईलाइट करना है ऐसे। अब कोर्ट शैल इन ऑल केस, हर एक मामले में कोर्ट क्या करेगा, बिफोर ग्रांटिंग एन इंजंक्शन, इंजंक्शन ग्रांट करने से पहले कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट शैल डायरेक्ट नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन की सूचना दिलवा निर्देशित करेगा फॉर द सेम टू बी गिवन टू द अपोजिट पार्टी। अपोजिट पार्टी को इस एप्लीकेशन की सूचना दीजिए आप, इस ऐसे डायरेक्शन देगा। दिस इज द जनरल रूल, ये सामान्य नियम है। आई बात समझ में, कौन सी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन इज फॉर द ग्रांट ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन। यू फाइल्ड द एप्लीकेशन, नेक्स्ट प्रोसीजर विल बी फॉलोड बाय, टू बी फॉलोड इज वॉट, नोटिस टू द अपोजिट पार्टी। लेकिन ये जो स्काई कलर है इसको पढ़िए ढंग से, अब कब सिवाय कब के, वेयर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वेयर इट अपीयर्स दैट ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रांटिंग द इंजंक्शन वुड बी डिफीटेड बाय द डिले। जो नोटिस की रिक्वायरमेंट है, व्हेन कैन इट कैन बी एक्सक्यूज्ड, कब इसको छोड़ा जा सकता है, इट मीन्स वॉट, विदाउट हियरिंग, विदाउट गिविंग नोटिस टू द अपोजिट पार्टी, नोट दिस एप्लीकेशन कैन बी ग्रांटेड व्हेन, क्या हो, व्हेन इट अपीयर्स, जब ऐसा प्रतीत होता है दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रांटिंग द इंजंक्शन, इंजंक्शन को ग्रांट करने का जो उद्देश्य है, वुड बी डिफीटेड बाय द डिले, देर हो जाएगी, उसका उद्देश्य खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात आपको, ऐसी स्थिति में इसको जैसे मान लीजिए कहीं मंदिर ढहाया जा रहा है, कहीं मस्जिद ढहाई जा रही है, कुछ ऐसा है कि ओवरनाइट डिसीजन होना बहुत जरूरी है, सेम डे होना बहुत जरूरी है, अभी चला पता,
कि जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं, जो नगर का प्रशासन है, वो किसी मस्जिद के चबूतरे को ढा रहे हैं या हटा रहे हैं, या किसी मंदिर के प्रवेश को हटा रहे हैं, तुरंत उसकी समिति फटाफट एक एप्लीकेशन लेकर पहुंचती कोर्ट में कि तुरंत रोका जाए, घंटे दो घंटे में रोका जाए। इसमें तो समझ रहे हैं आप, अब ऐसी स्थिति में अगर नोटिस देंगे अपोजिट पार्टी को कि भाई ठीक है अभी क्यों ढा रहे हो, ढा चुके हो तब तक, तो समटाइम्स इट मे अपीयर व्हाट दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रांटिंग द ऑब्जेक्शन और इंजंक्शन वुड बी डिफिटेड बाय द डिले। इन दैट कंडीशन देर इज नो नीड टू गिव द नोटिस टू द अपोजिट पार्टी। और जब नोटिस नहीं दे रहे हैं और उसके पीछे ऑर्डर पास हो रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स पार्टी टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर। नाउ अब समझिए, प्लेंटिफ आया या एक पार्टी आई, उसने आकर के इंजंक्शन ले लिया, एक्स पार्टी ले लिया, कितना बड़ा ऑर्डर है, जिस व्यक्ति को सुना नहीं गया उसके विरुद्ध कितना कितना बड़ा ऑर्डर हो गया। तो कुछ तो सेफ गार्ड लेने पड़ेंगे ना, उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर इट इज प्रपोज टू ग्रांट एन इंजंक्शन विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन टू द अपोजिट पार्टी, द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द रीजंस फॉर इट्स ओपिनियन। दिस इज द फर्स्ट सेफ गार्ड, कोर्ट शैल रिकॉर्ड द रीजंस फॉर इट्स ओपिनियन। कोर्ट की अगर ये ओपिनियन है कि अदरवाइज डिले विल फ्रस्ट्रेट द पर्पज ऑफ इंजंक्शन, तो कोर्ट शैल राइट इट, कोर्ट शैल गिव इट गिव रीजंस फॉर दिस। कोर्ट विल हैव टू जस्टिफाई इट्स डिसीजन कि एक्स पार्टी इंजेक्शन हम क्यों दे रहे हैं, इसका रीजन देना पड़ेगा कोर्ट को। और जब ये कहते हैं कोर्ट शैल रिकॉर्ड द रीजंस फॉर इट्स ओपिनियन, इट मीन्स कोर्ट शैल पास स्पीकिंग ऑर्डर, कोर्ट शैल एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशनरी पावर ऑन साउंड प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशरी जस्टिस, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, जुडिशियली होना चाहिए। तो जब आपको लिखना पड़ेगा रीजन, तब आपको अपने हर बात को जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप हवा में नहीं कह सकते ऐसे। ऐसे मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर आते हैं, लेट आया और आपसे कहा जाए क्यों लेट आए, बस सर लेट हो गए, अच्छा चलो बैठो, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि गिव रीजंस इन राइटिंग, तो आपको दो बार सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या बोलूं मैं, क्या जस्टिफाई करूं कि सर कन्विंस हो जाए कि वाकई में इट कैन बी रीजन। क्योंकि जैसे आप लोग ट्रैफिक जाम तो डेली होता है, आपको पहले प्रिकॉशन लेने चाहिए थे। तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा करना पड़ेगा जो समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। उस सेकेंड टाइम तो फिर आपको हालत खराब हो जाएगी कि कल भी ये बहाना, आज कितने बहाने लाएंगे ऐसे। तो रिकॉर्डिंग रीजन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, वेन यू हैव टू रिकॉर्ड रीजन फॉर दैट यू हैव टू थिंक 10 टाइम्स कि मुझे अपने सुपीरियर कोर्ट को जस्टिफाई करना पड़ेगा डिसीजन अभी है। इफ दिस डिसीजन इज चैलेंज्ड, सुपीरियर कोर्ट विल सी वेदर देयर वर सफिशियंट रीजन और नॉट। या ऐसे ही एक्स पार्टी टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांटेड, इट कैन नॉट वर्क। तो दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, समझ में आता है आपको। तो जहां भी ये लाइन आएगी आपको रिकॉर्ड द रीजंस, इसको हमेशा ऐसे ही एक्सप्लेन करना कहीं पर भी। ये इसका पर्पज ही है कि डिस्क्रेशन शुड नॉट बी मिसयूज्ड। बोलो, हाँ, दैट दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्रांटिंग द इंजंक्शन वुड बी डिफिटेड बाय डिले एंड रिक्वायर द एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट है जिसकी एप्लीकेशन पर टेम्परेरी इंजंक्शन दिया गया है एक्स पार्टी, उससे फिर क्या मांगा जाएगा। एक तो सेफ गार्ड हुआ अगेंस्ट द कोर्ट, गिव रीजंस। नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द एप्लीकेंट कि भाई साहब लिए लो अपना टेम्परेरी इंजंक्शन, लेकिन अब आप ऐसा ऐसा करना, क्या करना, टू डिलीवर टू द अपोजिट पार्टी और सेंड हिम बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट। अपोजिट पार्टी को या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो या किसी प्रकार से डिलीवर कराइए इमीडिएटली आफ्टर द ऑर्डर ग्रांटिंग द इंजंक्शन हैज बीन मेड। जैसे ही ऑर्डर हुआ तुरंत रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो, क्या भेजो, ए कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द इंजंक्शन, जो आपने एप्लीकेशन यहाँ लगाई है उसकी कॉपी को आप तुरंत रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए या डिलीवर करवाइए, किसको, अपोजिट पार्टी को जिसके विरुद्ध ये ऑर्डर हो रहा है ये। और क्या भेजेंगे साथ में, टुगेदर विद ए कॉपी ऑफ द एफिडेविट फाइल्ड इन सपोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के सपोर्ट में जो आपने एफिडेविट लगाया है उसको भेजोगे, एक कॉपी ऑफ द प्लेंट
जिसके बेसिस सूट दायर किया वो भेजोगे आप, एंड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन विच द एप्लीकेंट रिलाइज, उन सभी दस्तावेजों को आप उसको भेजोगे। क्यों भेजोगे? सो दैट उसको पता चले कि किन हालात में, किन डॉक्यूमेंट्स के बेस पर, किस केस में ये ग्रांट टीआई का ऑर्डर पास हुआ है, सो दैट वो भी अपनी अपने लिए कुछ तैयारी कर पाया गया। फॉर टू मीट सम इमरजेंसी हमने ऑर्डर पास कर दिया, बट फॉर फ्यूचर टू सेव गार्ड हिज इंटरेस्ट ऑल्सो दीज डॉक्यूमेंट्स शुड बी सेंड टू हिम। नाउ वॉट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर द पर्पज ऑफ योर एग्जाम यू मस्ट रिमेंबर विच डॉक्यूमेंट्स विल बी सेंड टू द अपोजिट पार्टी, और कब, कोई टाइम लिमिट नहीं है, इमीडिएटली आफ्टर द ऑर्डर ग्रांटिंग द इंजंक्शन हैज बीन मेड, जस्ट इमीडिएटली, हाँ या ना, कर लेंगे। सेकेंड सेफ गार्ड इज इन द फॉर्म ऑफ बी, टू फाइल ऑन द डे ऑन विच सच इंजंक्शन इज ग्रांटेड और ऑन द डे इमीडिएटली फॉलोइंग दैट डे एन एफिडेविट, टू फाइल एन एफिडेविट, इसको समझिए, भेजना ही नहीं है, यू विल हैव टू फाइल एन एफिडेविट। येलो वाली लाइन पढ़िए केवल, ये देखिए बस अभी आप, टू फाइल एन एफिडेविट ऑन द डे ऑन विच सच इंजंक्शन इज ग्रांटेड, या तो उसी सेम डे जिस दिन ऑर्डर पास हुआ उसी दिन फाइल करेंगे एफिडेविट, या कब करेंगे, ऑन द डे इमीडिएटली फॉलोइंग दैट डे, उससे अगले दिन करेंगे बस आप। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स, दिस मे बी क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स, व्हेन यू आर सपोज टू फाइल द एफिडेविट, ऑन द सेम डे ऑफ ग्रांटिंग द इंजंक्शन और द डे इमीडिएटली फॉलोइंग दैट डे, मीन्स अगला दिन, आज ऑर्डर पास हुआ उससे अगले दिन पास करेंगे। अभी देखिए बार बार कहता हूँ, इस तरीके से पढ़ना सीख जाइए एक बार आप, आपको दुनिया की कोई ताकत जज बनने से नहीं रोक सकती, बिलीव मी, आप सब में वो काबिलियत है, बस सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से पढ़ने आना चाहिए हम लोगों ने, एफिडेविट फाइल करना है, और एफिडेविट में क्या लिखोगे उसमें आप, स्टेटिंग दैट द कॉपीज अफोरसेड हैव बीन सो डिलीवर्ड और सेंट, कि जो रिक्वायरमेंट थी कॉपीज की वो हमने भेज दिए हैं उनको, बस ये यू विल हैव टू फाइल दिस। तो दिस इज रूल 3, एंड नाउ कम टू रूल 3A, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेडिंग से ही क्वेश्चन आया हुआ है यहां से। देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विस का क्वेश्चन क्या आया, वेयर एन इंजंक्शन इज पास्ड, वेयर एनी इंजंक्शन इज पास्ड विदाउट गिविंग नोटिस, इट मींस व्हाट, एक्स पार्टी नोटिस, एक्स पार्टी इंजंक्शन आ गया टू द अपोजिट पार्टी, द कोर्ट विल ट्राई टू डिसाइड द एप्लीकेशन विद इन 30 डेज। अब ये देखिए, एक्स पार्टी तो कर दिया आपने, लेकिन जब उस जो जो एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है उस वो कितने दिनों में डिस्पोजल होगा, उसके लिए आप जाएंगे रूल 3A पे। क्या है देखो, वेयर एन इंजंक्शन हैज बीन ग्रांटेड विदाउट गिविंग नोटिस टू द अपोजिट पार्टी, समझ आई बात, विदाउट गिविंग नोटिस टू द अपोजिट पार्टी, TI पास कर दिया, ग्रांट कर दिया, द कोर्ट शैल मेक एन एंडेवर टू फाइनली डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंजंक्शन वॉज ग्रांटेड, जिस डेट पर इंजंक्शन ग्रांट किया गया था उसके 30 दिन के अंदर आप उसको फाइनल डिस्पोजल करोगे। इसका मतलब क्या हुआ, अपोजिट पार्टी भी आ जाए, आप दोनों को हियर करके देन यू विल डिसाइड इट अपॉन दिस। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन जो होगी एक्स पार्टी की, एक्स पार्टी इंजंक्शन की, वो कितनी होगी, 30 डेज हो गए, 30 दिन तक वो कंटिन्यू रह सकता है एक्स पार्टी वाला ऑर्डर, आफ्टर दैट दैट TI शुड बी ग्रांटेड आफ्टर हियरिंग द अपोजिट पार्टी, बोलो, एंड वेयर इट इज अनेबल टू डू इट शैल रिकॉर्ड इट्स रीजंस फॉर सच इनएबिलिटी, अगर 30 डेज के अंदर वो नहीं कर पाती है ऐसा कोर्ट, देन कोर्ट को फिर रीजंस लिखने पड़ेंगे दोबारा, बिकॉज स्टेक्स आर वेरी हाई इंजंक्शन, किसी के लिए इररेपरेबल लॉस हो सकता है ये, आपने इंजंक्शन पास कर दिया वो भी एक्स पार्टी, तो टू बी सेफर साइड आपने पहले इंटरेस्ट देखे इस पार्टी के, जो एप्लीकेंट है जिसको टेम्प्रेरी इंजेक्शन चाहिए था, भाई साहब ठीक है इतनी इमरजेंसी है कोई बात नहीं, टेम्प्रेरी इंजेक्शन ग्रांटेड विदाउट गिविंग नोटिस, इट मीन्स एक्स पार्टी हो गया, लेकिन नाउ फर्स्ट सेफ गार्ड, कोर्ट विल रिकॉर्ड इट्स रीजंस, ठीक है मैंने क्यों लिखा, मुझे क्यों लगा कि डिले करने से दिक्कत आ जाएगी इसको, दूसरी बात अब ये डिसाइड करी जाएगी एप्लीकेशन आपकी आफ्टर हियरिंग विद इन 30 डेज, एंड आज आप ही आज ही डिलीवर करेंगे या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे ये डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे आप, और इसी बात का
आप एफिडेविट फाइल करेंगे आज, नहीं तो कल करेंगे कि आपने ये डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं सर्विस को। तो ये मैंने आम भाषा में समझा दिया आपको। इसके बाद में जो नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है वो है रूल 5। 4 को आप ना पढ़ेंगे आप लोग, कम टू दी रूल 5। दिस इज व्हाट इंजंक्शन टू कॉरपोरेशन बाइंडिंग ऑन इट्स ऑफिसर एंड दिस इज। पहले क्वेश्चन देख लीजिए कैसा क्वेश्चन आया। देखिए, विच रूल ऑफ द ऑर्डर 39 ऑफ द कोड प्रोवाइड्स दैट एन इंजंक्शन डायरेक्टेड टू द कॉरपोरेशन इज बाइंडिंग नॉट ओनली ऑन द कॉरपोरेशन बट ऑल्सो ऑन ऑल मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कॉरपोरेशन हूज पर्सनल एक्शन इट सीक्स टू रेस्ट्रेन। तो दिस इज द लैंग्वेज ऑफ रूल 5। सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ याद नहीं करना तो केवल कॉरपोरेशन याद कर लेना। इंजंक्शन टू कॉरपोरेशन कौन से रूल में है? 5 में। पढ़ देते हैं एक बार। एन इंजंक्शन डायरेक्टेड टू ए कॉरपोरेशन इज बाइंडिंग नॉट ओनली ऑन द कॉरपोरेशन इटसेल्फ बट ऑल्सो ऑन ऑल इट्स ऑन बट ऑल्सो ऑन ऑल मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कॉरपोरेशन। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी कॉरपोरेशन को के खिलाफ इंजंक्शन गया है तो कौन कौन उससे बाउंड होंगे? नॉट ओनली द कॉरपोरेशन इटसेल्फ बट इट्स मेंबर्स एंड ऑफिसर्स। रूल 5। तो दिस इज ऑर्डर 39। कर लेंगे आप लोग अभी ऑर्डर 39 1-5। मैंने सारे ऑर्डर्स पढ़ा दिए आपको बढ़िया तरीके से, लेकिन ये लेक्चर यहां खत्म नहीं होता है। अभी इसमें काफी कुछ पढ़ना है हम लोगों ने। स्टॉप, इस तरीके से पढ़ना सीख जाइए एक बार। आपको दुनिया की कोई ताकत जज बनने से नहीं रोक सकती, बिलीव मी। आप सब में वो काबिलियत है, बस सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से पढ़ने आना चाहिए हम लोगों ने। एफिडेविट फाइल करना है, और एफिडेविट में क्या लिखोगे उसमें आप? स्टेटिंग दैट द कॉपीज अफोरसेड हैव बीन सो डिलीवर्ड और सेंट, कि जो रिक्वायरमेंट थी कॉपीज की वो हमने भेज दिए हैं उनको, बस ये। यू विल हैव टू फाइल दिस। तो दिस इज रूल 3। एंड नाउ कम टू रूल 3A एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेडिंग से ही क्वेश्चन आया हुआ है। यहां से देखिए, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विस का क्वेश्चन क्या आया? वेयर एन इंजंक्शन इज पास्ड, वेयर एनी इंजंक्शन इज पास्ड विदाउट गिविंग नोटिस, इट मींस व्हाट? एक्स पार्टी नोटिस, एक्स पार्टी इंजंक्शन आ गया टू द अपोजिट पार्टी, द कोर्ट विल ट्राई टू डिसाइड द एप्लीकेशन विद इन 30 डेज। अब ये देखिए, एक्स पार्टी तो कर दिया आपने, लेकिन जब उस जो एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है उस वो कितने दिनों में डिस्पोजल होगा, उसके लिए आप जाएंगे रूल 3A पे। क्या है देखो, वेयर एन इंजंक्शन हैज बीन ग्रांटेड विदाउट गिविंग नोटिस टू द अपोजिट पार्टी। समझ आई बात? विदाउट गिविंग नोटिस टू द अपोजिट पार्टी, TI पास कर दिया, ग्रांट कर दिया, The court shall make an endeavor to finally dispose of the application within 30 days from the date on which the injunction was granted. जिस डेट पर इंजंक्शन ग्रांट किया गया था उसके 30 दिन के अंदर आप उसको फाइनल डिस्पोजल करोगे। इसका मतलब क्या हुआ? अपोजिट पार्टी भी आ जाए, आप दोनों को हियर करके देन यू विल डिसाइड इट अपॉन दिस। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन जो होगी एक्स पार्टी की, एक्स पार्टी इंजंक्शन की, वो कितनी होगी? 30 डेज हो गई। 30 दिन तक वो कंटिन्यू रह सकता है एक्स पार्टी वाला ऑर्डर। After that TI should be granted after hearing the opposite party. Bolo? And where it is unable to do, it shall record its reasons for such inability. Agar 30 days ke andar wo nahi kar paati hai aisa court, then court ko phir reasons likhne padenge dobara. Because stakes are very high. Injunction kisi ke liye irreparable loss ho sakta hai ye. Aapne injunction pass kar diya, wo bhi ex party. तो टू बी सेफर साइड, आपने पहले इंटरेस्ट देखे इस पार्टी के जो एप्लीकेंट है जिसको टेम्प्रेरी इंजेक्शन चाहिए था। भाई साहब ठीक है, इतनी इमरजेंसी है, कोई बात नहीं, टेम्प्रेरी इंजेक्शन ग्रांटेड विदाउट गिविंग नोटिस, इट मींस एक्स पार्टी हो गया। लेकिन नाउ फर्स्ट सेफ गार्ड, कोर्ट विल रिकॉर्ड इट्स रीजंस। ठीक है, मैंने क्यों लिखा, मुझे क्यों लगा कि डिले करने से दिक्कत आ जाएगी इसको। दूसरी बात, अब ये डिसाइड करी जाएगी एप्लीकेशन आपकी आफ्टर हियरिंग विद इन 30 डेज, एंड आज ही डिलीवर करेंगे या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे ये डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे आप, और इसी बात का आप एफिडेविट फाइल करेंगे आज, नहीं तो कल करेंगे
कि आपने ये डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं सर्विस को, तो ये मैंने आम भाषा में समझा दिया आपको। इसके बाद में जो नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है वो है रूल 5, 4 को आप ना पढ़ेंगे आप लोग, कम टू दी रूल 5, दिस इज व्हाट, इंजंक्शन टू कॉरपोरेशन बाइंडिंग ऑन इट्स ऑफिसर एंड दिस इज, पहले क्वेश्चन देख लीजिए कैसा क्वेश्चन आया, देखिए विच रूल ऑफ द ऑर्डर 39 ऑफ द कोड प्रोवाइड्स दैट एन इंजंक्शन डायरेक्टेड टू द कॉरपोरेशन इज बाइंडिंग नॉट ओनली ऑन द कॉरपोरेशन बट ऑल्सो ऑन ऑल मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कॉरपोरेशन हुज पर्सनल एक्शन इट सीक्स टू रेस्ट्रेन। तो दिस इज द लैंग्वेज ऑफ रूल 5। सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ याद नहीं करना तो केवल कॉरपोरेशन याद कर लेना, इंजंक्शन टू कॉरपोरेशन कौन से रूल में है, 5 में है। पढ़ देते हैं एक बार, एन इंजंक्शन डायरेक्टेड टू ए कॉरपोरेशन इज बाइंडिंग नॉट ओनली ऑन द कॉरपोरेशन इटसेल्फ बट ऑल्सो ऑन ऑल इट्स ऑन बट ऑल्सो ऑन ऑल मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कॉरपोरेशन। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी कॉरपोरेशन को के खिलाफ इंजंक्शन गया है तो कौन कौन उससे बाउंड होंगे, नॉट ओनली द कॉरपोरेशन इटसेल्फ बट इट्स मेंबर्स एंड ऑफिसर्स भी होंगे, रूल 5। तो दिस इज ऑर्डर 39, कर लेंगे आप लोग अब ये ऑर्डर 39 1-5, मैंने सारे ऑर्डर्स पढ़ा दिए आपको बड़े तरीके से, लेकिन ये लेक्चर यहाँ खत्म नहीं होता है, अभी इसमें काफी कुछ पढ़ना है हम लोगों ने। देखिए इन वीडियोस के बारे में आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये इनकी जो अप्रोच है वो है एग्जाम में कैसे आएगा, आपको बुद्धिजीवी बनाने की प्रयास नहीं किया गया है। तो अगर आपको ये प्रयास समझ में आया हो और आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज हेल्प अस स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस चैनल सो दैट कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत से खासकर ऐसी गर्ल्स होंगी जिनको उतनी अच्छी क्वालिटी कोचिंग नहीं मिल पा रही है। तो हेल्प देम, हेल्प योर सेल्फ, हेल्प अस, थैंक यू वेरी मच एंड शेयर दीज वीडियोज़, थैंक यू।